इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। अमेरिका में बहुत बड़ा जो डांस का कॉम्पिटिशन होता है, वर्ल्ड ऑफ डांस जो है, ये उसका टाइटल जीत के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको देख देख के ये लोग सीखते रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन में जाके उन्हीं को हरा के आए यार, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने देशों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए ये कॉम्पिटिशन जीतना। 60-70 कंट्रीज, इनफैक्ट कंट्रीज से ज्यादा, मतलब कंट्रीज रहते उतने, लेकिन टीम्स बहुत सारे सारे थे। ओके okay. इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके okay. इसमें वो लोग इनवाइट करते सामने से। ओके okay. तो यू हैव टू बी एलिजिबल टू बी इनवाइटेड इन दैट शो। ऑब्वियसली यार, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला टीम था इंडिया का, इंडिया की तरफ से, जो फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली वो हिस्ट्री था कि पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में एक टीम आया जो सीधा फाइनल्स में सेलेक्ट हुआ था 2012 में। और उसी जर्नी पे ABCD2 बनी थी। फिर उसके बाद हम 2015 में गए, वर्ल्ड पॉप चैंपियनशिप जीते। फिर एक इंडियन शो में हमारा कुछ एक्ट्स जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, अच्छा। बाहुबली का एक्ट किया था हमने और रोबोट का एक्ट किया था जो सुपर वायरल था, और SS राजामौली सर ने भी शेयर किया था और ट्वीट किया था, तो उसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड वायरल हो गए थे। तो हमें ऐसा इन्विटेशन मिला वर्ल्ड ऑफ। और जिस दिन इन लोगों ने ये कॉम्पिटिशन जीता, उस दिन बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी जो क्लिप था वो शेयर किया था और सब बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। सो मुझे एक्चुअली, ये आपने देखा, ये सबने कौन कहाँ से घुस जाता है, कहाँ से उड़ जाता है, पता ही नहीं चल रहा। एक दूसरे को कहीं लग जाए, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग 10 साल से साथ में है। अच्छा। हमने 10 साल से प्रैक्टिस किया है, तो हमारे अंदर वो ट्रस्ट और वो ब्रदरहुड है। ओके। जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे एकदम आग बंद करके भरोसा करते हैं। क्या बात है। तो आपके ग्रुप का लीडर कौन है? हमारे ग्रुप के लीडर है सुरेश सर। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। तो ये हैं वो भाई साहब जिन्होंने ये सारा ग्रुप इकट्ठा किया और सबको ट्रेन करके उसके बाद अमेरिका गए और इतना बड़ा डांस कॉम्पिटिशन जीता और $1 million जीते इन्होंने इनाम में, बाय द वे। तो ये करोड़पति लोग हैं। सुरेश, मेरा ना थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है, मतलब आजकल डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मतलब $1 million तकरीबन? आपको बड़ा पता है। मैं करोड़ों में डील करती हूँ ना। सुरेश, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि द किंग्स यूनाइटेड, ये जो आपका ग्रुप है, ये सारे डांसिंग किंग्स जो है, ये कैसे यूनाइट किया आपने? ये बेसिकली, ये जो ग्रुप है, ये हमारे मुंबई के एक छोटा सा सबर्ब है, वसई नाला सुपारा। अच्छा। उन गलियों के डांसर से। क्या बात है। सपना नाला सुपारा से ही है। यस यस, हमने सुना है, बहुत सुना है। सो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल पुराना ग्रुप है। अच्छा। एंड बहुत छोटे छोटे थे, ऑलमोस्ट 13-14 साल के थे जब आए थे, मैं 18-19 साल का था, तो तभी से लेके हम लोग एक साथ है एंड उस तरीके से ग्रुप फॉर्म हुआ। एंड उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, ना कोई स्मार्टफोन्स थे, ना कोई इंटरनेट का सुविधा था, ना कुछ भी नहीं था। एंड हम लोग जिस टाइम से बिलोंग करते, उस वक्त हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना भी डिफिकल्ट था क्योंकि रियलिटी शोज भी नहीं थे। राइट। सो हम लोग उस जमाने से डांस करते रहे, बट एक चीज हमेशा दिल में और दिमाग में था कि किसी एक दिन राज करेंगे, एंड आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्या बात है। ये स्पिरिट चाहिए होती है आपको, मतलब कुछ भी करना है अगर आपको लाइफ में, आपका जज्बा जो है वो बड़ा हाई होना चाहिए। अच्छा, आपको वर्ल्ड ऑफ डांस के फिनाले में 100 में से 100 ही मार्क्स मिले ना? Yes. स्कूल में कभी आए किसी के? ये कहां से, कुंभ के मेले से मिले थे आप? अरे ये बाल कैसे करते हैं ऐसे वाले? ओ, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना वैसे बाल बुनते हैं। तो किसने बुना, मम्मी ने? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ये सब कहां हो रहा था पता है? ये सब फॉरेन में हो रहा था, जब नई गर्लफ्रेंड मिली सबको। तुम सबको फॉरेन में नई गर्लफ्रेंड मिली? हां, आजकल सब लोग वीडियो चैट पे बहुत बिजी रहते हैं। अभी कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है कि सब फॉरेन की भाभी आने वाली है। सोचो नाला सुपारा में गोरियां घूमती होंगी। हैं, क्या बात है यार, वाओ। अच्छा, जो आपका परफॉर्मेंस देख के जजेस जो इतना एक्साइटेड हो रहे थे वहां पे, इतनी सारी इंग्लिश बोली उन्होंने, है ना, और ऊपर से एक्सेंट भी उनका अलग अलग, एकदम अलग, समझ आ रहा था कि मेरी तरह आप भी हाँ हाँ कर रहे थे? सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ चीजें समझ के ऊपर जब जाती थी तो हम पूछते थे क्या बोला क्या बोला।
तो ठीक है, बट कोशिश करते थे. मतलब हम लोग पूरे सेंटेंस में एक बंदा एक वर्ड समझता था, ये बंदा दूसरा, मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा मिल गया हम लोग एक थोड़ा सा पीछे जाते थे. अच्छा अच्छा तो ये समझने में भी पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस आपका. अच्छा, जेनिफर लोपेज की परफॉर्मेंस, आप सब फैंस हैं उनके, बहुत सालों से वो एंटरटेन करती आ रही पूरी दुनिया को. उनकी परफॉर्मेंस देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन जब वो इनकी परफॉर्मेंस देख रही थी वो पलके नहीं झपक रही थी, सोचो. माय गॉड. अच्छा, जब जेनिफर लोपेज ने आपको कहा कि आपकी परफॉर्मेंस देख के मैं पलके नहीं झपक रही थी, उस वक्त आपने कभी सोचा था आपको कपिल शर्मा शो में आने का मौका? यार मैं ना, मेरा क्या है, मैं अपनी तारीफ खुद ही करता रहता हूँ. क्या है, अपने आप को वट देने का. यस यस यस, पता है कभी कि नहीं? जेनिफर लोपेज का जूड़ा खुल गया था, आपको पता है? परफॉर्मेंस देखते थे, इतनी इमोशनल हो गई थी वो. पूछो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछ लो. इनफैक्ट जेनिफर लोपेज ने, हम लोग के डांसिंग की जो दुनिया है उसमें ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा करता है तो शूज फेंकते हैं. तो जेनिफर लोपेज ने उनके लाइफ में पहली बार किसी डांसर्स के लिए शूज फेंका था, और वो हम थे. उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने पूरी दुनिया के डांसर्स को देखा है जी. एंड वो सब देखने के बाद जब ये जूता हमको मिलता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है. तो एक ही जूता दिया उन्होंने? हाँ, एक ही जूता दिया था, और मैं पीछे स्टेज के पीछे था, मैं बहुत खुश हो गया था, जूता मिल गया. वो जूता 5 करोड़ का था, 5 करोड़ का जूता था, और मैं पीछे खुश था. अब मैं इसको लगाऊं ग्लास में लगा के अपने स्टूडियो पे, एंड उतने में हमारे भाई को पता नहीं क्या हो गया. मेरे को एक बात पूछनी थी, वो तो ठीक है, 5 करोड़ का पैर के एक जूता? नहीं, दोनों दोनों मिला के एक जूता. अच्छा चलो घर चले. हम कहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ, 5 करोड़ का जूता पहन दी, वो भी फेंक रही है. हमारे 500 के हैं. आप बोल रहे थे जूते का क्या हुआ फिर आपको? तो यस, ये भाई को पता नहीं क्या हो गया, इतना गुस्से में. क्योंकि आपने वापस क्यों किया? मतलब वो एक अच्छा जेस्चर था उनका, जो हम हमारे लिए उन्होंने फेंक के किया, तो वी रेस्पेक्ट दैट, तो इसलिए हमने मतलब अच्छा किया. नहीं तो सोचो, अगर जेनिफर लोपेज एक ही जूते में जाती तो ऐसे करके. मेरे नाला सोपारा के दोस्त लोग आई ले, ये देख, ये बजा रे बजा, ये मजा ले. अरे मैंने सुने कपू, इन लोग को बहुत पैसा ऐसा मिलेगा उधर, डोनाल्ड डक ने दिए ले ना उधर. डोनाल्ड ट्रंप ने, पागल ट्रंप. हाँ, मेरे को मालूम नहीं. $1 million जीते हैं. 1 million कितना रहता है? 7 करोड़. 7 करोड़. 1 करोड़ देना मेरे को. तुम लोग नाला सुपर है के उतना तो बनता है रे. इधर सब पागल है, इनसे भी 1 करोड़ मांग रही है. अरे क्यों नहीं मांगे, मेरे नाला सुपर है घर में घुस घुस के लेगी मैं. तुम लोग के देख लेना. वैसे सच्ची बोलते अपना किस्मत रहता है सब लोग का. ये भी नाला सुपर है से, मैं भी नाला सुपर है से. तुम लोगों की जज कौन उधर? जेनिफर लोपेज. तुम उनके सामने परफॉर्म किए और मैं इधर का भी अलग मजा है. मैं बोल रही है इधर का भी. अर्चना जी भी लव यू, इनके लिए जोरदार थाली हो जाए. ओ अच्छा, तुम लोग उधर अमेरिका में रहना काफी टाइम तक? बहुत टाइम तक. अच्छा, अभी मेरे को देखने का उधर तुम इंग्लिश विंग्लिश गाने किए, कहीं हमारे बॉलीवुड के गाने भूल ना गए ये लोग? कपू चक्रो चक्रो. अभी ना मैं इन लोग के लिए कुछ बना के लाई अपने घर से. क्या? कुछ एक चीज बनाए लाए. अब उस चीज के अंदर गाना है. अभी तुम लोग को गेस करना है कौन सा गाना है. देखती है नाला सुपारे के, तुमको बोलना पड़ेगा फटाक से. बता कौन सा गाना है, और उस पर डांस भी करके दिखाने के. अच्छा. जल्दी बता कौन सा गाना है. बेबी को, अरे क्या हाँ. तो तू करके दिखा बेबी को, फट से बोला. चल अब ये वाला है, ये थोड़ा तुम लोग को भारी पड़ेगा. क्या है? कि मैं नहीं खुद बना के मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा गाना है. बता कौन सा गाना है. फूलों का तारों का सबका गहना है. बहुत इजी है ये. क्या है? हेल्प नहीं करने का हमारे ना. जल्दी बता, तू बता. ये हैरी पॉटर.
ये अमेरिका जाके हैरी पॉटर बन गए ले। तू बता कौन से है? तू बता, तू होली के बाद बाल नहीं धोया क्या? हाँ ये बहुत मुश्किल है यार। बहुत सिंपल है, सिंपल है, आपको तो पहले पता होना चाहिए। हाँ वेरी सिंपल, पहला नशा। अच्छा ये वाला बता, काला चश्मा और लिप पे क्या है? और सफेद रंग का मास्क। सफेद मतलब गोरा। हाँ। काला चश्मा। I'm sure you guessed ना, आप लोगों ने guess कर लिया ना? काला चश्मा तो नहीं लग रहा है। हाँ काला चश्मा, और क्या है वो? काला चश्मा। जचता है, जचता है। गोरे। गोरे। इस पे ये डांस करके दिखाएगा, ये वाला पीछे काहे को छुपता है तू इधर बाहर निकल के। ये एक बार जोरदार तालियां द किंग्स यूनाइटेड के लिए।